हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सताक्षी वगैरह। सब टाइटल एंड थंबनेल के हद से तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज का वीडियो कैसे ऊपर होने वाला है। सो आज का वीडियो है फेस्टिव वियर हॉल फ्रॉम मीशो स्टार्टिंग एट रुपीज ओनली 250। यस, सो मीशो से मैंने आई थिंक 5 आइटम मैंने परचेज किए हैं। लेट मी शो। ओके, सो मैंने 5 आइटम परचेज किए हैं। इसमें कुछ साड़ी है, कुछ कुर्ता सेट है जो कि फेस्टिवल के लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, आपको डील मिल रहा है। तो वन बाय वन मैं आपको शो करूंगी कि मैंने क्या क्या परचेज किए हैं। एंड यस, इन सबका लिंक जो रहेगा एंड कोड रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कुर्ता सेट के बारे में। ओके, सो इसे मैंने ब्लैक कलर पर ऑर्डर किया। आपको डिफरेंट कलर का मिल जाता है, आप दूसरे कलर पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको शो कर रही हूँ किस तरीके का है। कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रैप वाला कुर्ता एंड पैजामा मिलता है, आपको दुपट्टा इसमें नहीं मिलता है। बहुत ही ज्यादा प्यारा है ना, आपको ना इस पे एडजस्ट करने के लिए स्ट्रैप को भी मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। इसका फिट और लुक बहुत ज्यादा प्यारा है, आपको साइड में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको ना एंड में इन साइड में आपको इस तरीके का लेस का डिटेल मिल जाता है, गोल्डन लेस का। एंड ये प्लेन कुर्ता है। ओके, आप इसके साथ कोई सा भी कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। एंड पैजामा की मैं बात करूँ तो सिंपल ब्लैक कलर पे है। ओके, एंड आपको एंड में इस तरीके का आपको यहाँ पे लेस का डिटेल मिल जाता है, पॉकेट्स इसमें नहीं है। एंड इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक इसकी प्राइस है 300 रुपीज़। एंड अभी करंट इसकी प्राइस का आपको मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर दूंगी। एंड इसे मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मंगाया है, तो मुझे एकदम परफेक्ट फिट हुआ है। तो जो आपकी ओरिजिनल साइज है आप उसी साइज में ऑर्डर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल में मैंने मंगाया है, आप थोड़ा छोटा साइज मत ऑर्डर करिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर से बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग होगा इसका। सो लेट्स सी सेकंड मैंने क्या ऑर्डर किया। सो ये फिर से कुर्ता सेट है, तो पहले मैं इसे निकाल लूँ। ओके, सो ये पूरा पैजामा कुर्ता एंड दुपट्टा का आपको ये सेट मिल जाता है। सो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे ये 541 रुपीज़ का मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ओके, पता नहीं इतना कम डिस्काउंट क्यों मिल गया था मुझे, आई थिंक कुछ कॉइन भी लगे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुर्ता की बात कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बता रही हूँ आपको ना इसे परचेज करना ही चाहिए। सो आपको कुछ इस तरीके का कुर्ता मिल जाता है। ओके, हार्ट नेक लाइन आपको मिल जाता है, 3/4 स्लीव मिल जाता है। पूरे कुर्ते में ना इसी तरीके के ना मोर पंख इस तरीके से प्रिंट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, मैं इस तरीके के सूट आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम परचेज करी हूँ, मैं कभी ऐसे पहनी नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड अच्छा है। एंड साइड में आपको इस तरीके का डिटेल मिल जाता है। ओके, एंड दैट्स इट, कुर्ता फुल लेंथ है इसी तरीके से। बैक में आपको सिंपल राउंड नेक मिल जाता है, इसमें मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर किया है। एंड या थोड़ा सा लूज है बट हाँ कम्फी है काफ़ी ज़्यादा, तो आप इसे जो भी आपकी साइज है ना उससे एक साइज बिगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा। देन आपको इस तरीके का पैजामा मिल जाता है, इन दोनों के प्रिंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, देख सकते हैं, मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आप प्रिंट देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। एंड में आपको कुछ इस तरीके का लेस वर्क मतलब डिज़ाइन मिल जाता है, आपको साइड में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें दुपट्टा भी मिल जाता है, और क्या चाहिए यार 550 रुपये में। सो दुपट्टे में मिडिल पे कुछ इस तरीके का प्रिंट है, जैसे पैजामा में था उसी तरीके का। ओके, एंड एंड पे इस तरीके का मोर पंख दिया है, एंड दुपट्टा का लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एंड मैंने सेम अपने मम्मा के लिए भी ऑर्डर किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल था। सो नेक्स्ट मैं कुर्ता सेट की बात करूँ, जो मैंने वेयर किया उसे ही मैंने ऑर्डर किया था। इसकी प्राइस है 272 रुपीज़, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ऑर्डर किया, एक्वा ब्लू कलर है इसका। ओके, नेक लाइन आपको कुछ इस तरीके का स्क्वायर नेक लाइन मिल जाता है। ओके, स्ट्रैप वाला आपको कुर्ता मिलता है, एंड यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैंने यहाँ पे पिनअप किया, अदरवाइज इतना ज़्यादा डीप हो रहा था जिसमें मैं बिल्कुल भी कम्फर्टेबल फील नहीं हो रही थी। प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस तरीके का एक्वा ब्लू ऑरेंज कलर एंड वाइट कलर का आपको प्रिंट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है फिर भी,
थोड़ा सा मुझे लूज आ रहा है बट ओके कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है धोने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा, बट हाँ 2 से 4 बार पहनने के लिए ठीक है। पूरे कुर्ते में वही प्रिंट आपको दिया गया है ओके। एंड पैजामा मैं आपको शो कर दूंगी स्क्रीन पे, एक्वा ब्लू कलर का है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। बट हाँ अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप 4 से 5 बजे से वेयर कर सकते हैं, बट वॉश करने के बाद ये पतला हो जाएगा, आई थिंक ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा, बट या ठीक है अकॉर्डिंग टू प्राइस। लेट्स सी उसके बाद मैंने क्या ऑर्डर किया था। सो ये था साड़ी। आई थिंक आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते होंगे उन्होंने देखा होगा, इससे मैंने वेयर किया था, एक लुक क्रिएट किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्राइस बता दूँ इसकी, तो मुझे 781 रुपीज़ का पड़ा था, एंड स्क्रीन पर आपको ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगी। ओके तो इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है मीन्स प्राइस के अकॉर्डिंग, तो मैं इसे निकाल के आपको शो करती हूँ। ओके सो मैंने ये वाइट कलर पे मल्टी कलर पे साड़ी ऑर्डर की थी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे जब मैंने ऑर्डर किया था, देखा था। तो इसमें आपको इस तरीके का ब्लाउज पीस मिल जाता है, आप इसे स्टिच करा सकते हैं, बट ऑनेस्टली इसकी क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जो ब्लाउज पीस है, तो मैं रेडीमेड वाइट कलर का या मल्टी कलर का ब्लाउज लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें पिंक और थोड़ा सा गोल्डन टच में आपको मिल जाता है, मिरर वर्क मिल जाता है, सो इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आप स्टिच करा सकते हैं। देन मैं साड़ी की बात करूँ, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरा ना ऐसे दिल आ गया है साड़ी पे। ओके काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लाइट वेटेड नहीं है, सबको लाइट वेटेड लग रहा होगा। सो आपको पूरे साड़ी में ना इस तरीके का छोटा छोटा वर्क मिल जाएगा कॉपरिश गोल्डन कलर पे। ओके सो मैं पल्लू की बात करूँ पहले, सबसे पहले तो पल्लू कुछ इसी तरीके का सिंपल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको इस तरीके का पर्ल का आपको डिज़ाइन मिल जाता है साइड में, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पूरा एंडिंग उसी तरीके से है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का लेस का डिटेल मिल जाता है, आप देख सकते हैं लाइट पिंक लाइट ब्लू कलर का आपको। सो इसका पल्लू काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड ब्यूटिफुल है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, पूरे में आपको वही वर्क मिलता है, नीचे साइड में भी सेम वर्क, बट मेन इसका जो मतलब अच्छा है, जो सबसे अच्छी इसकी बात है साड़ी की, वो है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब हम प्लेट्स बनाते हैं ना सामने में तो उसमें उतना ज़्यादा घेर नहीं आ पाता है ना, बट इसकी हेल्प से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल घेर आता है, आप देख सकते हैं इस तरीके का फ्रिल वर्क दिया गया है, एंड इस सब में इस तरीके का वर्क है, आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो इसी तरीके से ये पूरा दिया हुआ है एंड तक। कुछ इस तरीके का अभी मैं आपको स्क्रीन पे ट्राई ऑन दिखा रही होंगी। ओके इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, उसका पल्लू काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, पर जहाँ पर हम प्लेट्स बनाते हैं इतना ज़्यादा इजी क्विकली बन गया है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैंने इसे रखा है, मैंने सोचा मैं जितने बार हो सके 4-5 बार पहनूंगी, देन इसके बाद मैं इसका लहंगा बनवाऊंगी। मैं इसका लहंगा बनाऊंगी ना तो इसके कारण ना इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, तो मेरे तरफ से तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसका लुक बहुत ज़्यादा प्रिटी है। बट हाँ आप इसके लिए रेडीमेड ब्लाउज ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो ब्लाउज पीस मिला है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसका लुक भी उतना ज़्यादा प्यारा नहीं है। देन आते हैं हम अपने लास्ट पार्सल पे, आई थिंक ये 5 है। ओके फिफ्थ वन, तो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसकी प्राइस, आई थिंक 400 कुछ रुपीज़ की आपको स्क्रीन पर मैं शो कर दूँगी। ये मैंने ब्लैक कलर की साड़ी ऑर्डर किया है, ऑनेस्टली मेरे पास ब्लैक कलर का कुर्ता साड़ी कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। पैकेजिंग ओके है नॉर्मल, वाइट साड़ी की बहुत अच्छी पैकेजिंग आई थी बाय द वे। सो पहले मैं ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ, तो आपको ब्लाउज पीस
सो आपको ब्लाउज पीस ना कुछ इस तरीके का मिल जाता है, आपको हैंड के पास स्लीव के पास लगाने के लिए इस तरीके से स्टोन वर्क वाला मिल जाता है। ऑनेस्टली इसकी भी क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, आप इसको कट करा के स्लीव पे लगा सकते हैं, बाकी इस मटेरियल का यूज मत करिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके तो इस तरीके का सिंपल है और कुछ भी नहीं है। साड़ी की अगर मैं बात करूँ, साड़ी कुछ इस तरीके का ग्रीन ब्लैक कलर, आपको इस तरीके के एंड में आपको स्टोन वर्क मिल जाता है, अच्छे से मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देती हूँ। ओके सो 400 कुछ समथिंग रुपीस का ये है, बट ऑनेस्टली इसका मटेरियल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे साड़ी का, मीन्स कंफर्टेबल भी नहीं है ना, उतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा है जैसे कि वाइट साड़ी जो था। बाकी मैंने कुर्ता सेट दिखाया, अगर आप इसे वेयर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ना अच्छे क्वालिटी का लग रहा है, थोड़ा अच्छे प्राइस का लग रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा चीपर लग रहा है। ओके आप इसे पहनेंगे तो मैं भी आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी, तो उतना ज़्यादा खास नहीं है। एंड जो इसका स्टोन है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा झड़ रहा है एंड प्रॉपर तरीके से लगा हुआ नहीं, एंड वो शो हो जा रहा है जब आप पल्लू ले रहे हैं ना तब ये शो हो जा रहा है, तो मुझे ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। एंड प्लेन इसी तरीके का है, ओके ब्लैक साड़ी है प्लेन एंड एंड में आपको कुछ इस तरीके का वर्क दिया गया है, सो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, बट क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है, कोई भी देख के बोलेगा कि आपने एकदम सस्ती साड़ी पहनी है, लोकल साड़ी पहनी है। सो या दैट्स इट, इतने ही कपड़े मैंने इस बार ऑर्डर किए थे, और भी मैंने ऑर्डर किए हैं, वो रिसीव हो जाएंगे तो और भी मैं आपके साथ मीशो हॉल शेयर करूंगी। एंड यस आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मीशो हॉल आपको किस तरीके का लगा, एंड ये जो मैंने ड्रेस सिलेक्ट की है फेस्टिव वेयर के लिए है या नहीं। मैं चाह रही थी कि चीपर भी हो अच्छे क्वालिटी के भी हों, तो सारे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं इस ब्लैक साड़ी के अलावा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।